रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बीच अब भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे डाली है। कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने खास तौर पर यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों को स्वदेश लौटने के लिए कहा है। ये सलाह यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के युद्ध में बदलने की आशंका के कारण दी गई है। इस तनाव के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, लातविया और डेनमार्क पहले ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह चुके हैं। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन छोड़ने के लिए एक एडवाइजरी लेटर यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को भेजा है। लेटर में कहा गया है कि यूक्रेन के मौजूदा अनिश्चित माहौल को देखते हुए भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों को यूक्रेन छोड़कर अस्थायी तौर पर स्वदेश लौटने की सलाह दी जा रही है। लेटर में आगे कहा गया है कि भारतीय नागरिक बिना किसी जरूरी काम के यूक्रेन की यात्रा ना करें और वहां मौजूद नागरिक भी अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं। दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से ये भी अपील की है कि वो अपनी मौजूदगी के बारे में दूतावास को जानकारी देते रहें ताकि जरूरत पड़ने पर उन तक मदद पहुंचाई जा सके। इसमें कहा गया है कि भारतीय दूतावास अपने नागरिकों की मदद करने के लिए यूक्रेन में अपना सामान्य कामकाज जारी रखेगा। अमेरिका समर्थित यूक्रेन और रशिया के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें भारत न्यूट्रल भूमिका में है। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन मामले को लेकर रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखा था। इसके साथ ही भारत ने शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए तनाव को तत्काल कम करने की अपील भी की थी। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत का हित एक ऐसा समाधान खोजने में है जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तत्काल कम कर सके और इसका उद्देश्य क्षेत्र और उससे बाहर लंबे समय तक शांति और स्थिरता कायम करना है। यूक्रेन मामले में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की पश्चिमी देशों की धमकियों के बीच भारत ने स्पष्ट कहा है कि वो रूस के खिलाफ किसी भी आर्थिक प्रतिबंध का पक्षकार नहीं बन सकता है। पूर्वी यूरोप में इस विवाद के कारण युद्ध होने की संभावना के बीच यूक्रेन में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 20,000 भारतीय छात्र परेशानी में पड़ गए हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब और राजस्थान से हैं। इन छात्रों को वापस भारत लाने के लिए दिल्ली स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका भी दायर की गई है। याचिका में कहा गया है पूरे देश से 18,000 से 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन की अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से अभी तक इनके जीवन से जुड़े गंभीर मसले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर करीब 1,00,000 से 1,50,000 के बीच सैनिक तैनात कर रखे हैं। इससे इस एरिया में युद्ध की आशंका तेज हो गई है। रूस ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि वो यूक्रेन पर किसी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों का मानना है कि रूस युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए तैयारी कर रहा है। वहीं रूस की मुख्य मांगों में नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करना और क्षेत्र से ऐसे हथियारों को हटाना शामिल है जिससे रूस को खतरा हो सकता है। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव की असल वजह आखिर क्या है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक में क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।